हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और मैंने आपसे कहा था कि इंट्रेंस रिलेटेड, मतलब जो इलाहाबाद में लोग हैं और उसके आसपास लोग जो हैं उनके लिए इलाहाबाद से मतलब जहाँ जहाँ भी इंट्रेंस से रिलेटेड या मतलब उनको कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, इसकी प्रोसेस जैसे स्टार्ट होती है वैसे हम बताएंगे। तो देखिए, जो है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी और ECC दो यहाँ पे बड़े प्रोमिनेंट हैं इलाहाबाद में जिनका, तो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी जिसको राज विश्वविद्यालय के नाम से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के नाम से जाना जाता है, हम उसको इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी ही कहते हैं, तो वो है। और दूसरा ECC, दोनों ने अपना निकाल दिया है आज। और सबसे पहले जो है हम जो है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बताते हैं, तो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपना शुरू कर दिया है और 25 अगस्त तक इसके जो है फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरेंगे सारे फॉर्म इसके, ऑनलाइन इसमें भरा जा रहा है प्रोसेस, और 25 अगस्त तक ये चलेगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए एडमिशन हो रहा है, और कुछ कोर्सेज इन्होंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो है वो भी शुरू किए हैं, अच्छे कोर्सेज हैं उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जितने भी जो है एडमिशन होंगे वो सब मेरिट के बेसिस पे होंगे, तो मेरिट के बेसिस पे होंगे तो थोड़ा से मतलब जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसी के हिसाब से होगा। तो मतलब जैसे ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं, मतलब जिसमें आपको ग्रेजुएशन में आपको जिसमें आपको एडमिशन लेना है तो 12th में जितना नंबर पाया है उसके बेसिस पे, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ग्रेजुएशन में जितना नंबर पाया है उसके बेसिस पे होगा। और सीटें थोड़ा मतलब हर जगह पे एक लिमिटेड ही हैं, तो वो देखना पड़ेगा, और पास इस बार बच्चे बहुत सारे हुए हैं, तो थोड़ा आप लोग जो है इसको समय से अगर काम कर लें तो अच्छा है। तो और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का जो है चीज़ें आ गई हैं, तो वो जो है आप लोग भर लीजिए। और 25 अगस्त जो है ये अपना जो अभी आज इन्होंने निकाला है नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से 25 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का आ गया है, सारे सब्जेक्ट्स के करीब आ गए हैं, ठीक है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा सर ECC का कब से शुरू होगा, तो भाई ECC का भी देखिए आप शुरू हो गया है। ECC का भी उन्होंने बोला है कि जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कोर्सेज के लिए जो है 7 अगस्त से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, और 10 सितंबर तक जो है आप भर सकते हैं, तो इसमें टाइम काफ़ी है। तो 7 अगस्त से 10 सितंबर तक का ECC में जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का। तो ये देखिए, हमने आपका जो आप कमेंट बॉक्स पे लगता है पूछते रहते थे, तो वो तो मतलब जिसको मतलब इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में लेना उसका भी निकल गया और आपका ECC का भी निकल गया, अब आपका सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बची हुई है, ठीक है मेन। तो फिलहाल तो आप ये दोनों को ध्यान में रखिए, जिनको इसमें एडमिशन लेना है वो ले लें, और जिनको इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है वो वेट करें फिर जब तक आ रहा है, तो वैसे वो भी 16 अगस्त तक आ जाएगा, लेकिन ये है कि उससे पहले ही आ जाएगा, लेकिन ये कि अभी जो है यही दोनों है सिर्फ, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी और जो है ECC। तो इसमें जिसको लेना है उससे रिलेटेड हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके आगे जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। कोई समस्या परेशानी है तो आप जैसे कमेंट बॉक्स पर लिख के पूछते हैं पूछते रहिए, और उसका जितना भी हो सकेगा हर संभव आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।